और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय में वास्तु लिखी गई, इंडिया में कैक्टस ही नहीं थे, तो जो भी उसका अनुवाद कर रहा है मेरे हिसाब से गलत कर रहा है, क्योंकि आदमी ने कोई चीज़ देखी ना हो, जानता ना हो, तो उसको बुरा कैसे वो कह रहा है। इनकी वजह से मैं 2 मंजिलें सीढ़ी चढ़ के आता हूँ तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इनके साथ रहता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ती, सिर दर्द नहीं होता, वो जो पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ पर आके, उसका मैं खाली आपको बता सकता हूँ, पर आपको अपने आप एक्सपीरियंस करने के लिए इनको अपने पास लाना पड़ेगा। जहाँ ये पेड़ पौधे उगते हैं, पनपते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, बच्चे देते हैं, वहाँ आम आदमी का खड़े रहना भी मुश्किल है। तो आप इनको कैसे कह सकते हैं कि डेडनेस से एसोसिएटेड, ये तो लाइफ का सिंबल है। दे आर टीचिंग यू टू सर्वाइव वेयर नथिंग एल्स सर्वाइव्स। बड़ी खूबी तो है इनके बहुत सुंदर फूल, आकर्षक फूल, जो अलग अलग पेड़ पे सारे 12 महीने कोई ना कोई कैक्टस फूल में रहता ही है। कई तो हैं जो साल में 8-8, 9-9 महीने तक लगातार फूल देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में अगर पौधे होते हैं तो वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वही बात जब कैक्टस की आ जाती है तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि कैक्टस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कुछ लोगों का कहना भी है कि वास्तु के हिसाब से इन्हें घर में होना अशुभ भी माना जाता है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर राम गांधी जी से, जिन्होंने अपने टेरस पर तमाम तरीके के कैक्टस हजारों की संख्या में लगा रखे हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए डॉक्टर राम गांधी जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी कि क्या कैक्टस घर में लगाना है या अशुभ। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैसा कि हम पहले हम दर्शकों को दिखा चुके थे सर के तमाम तरीके के हजारों की संख्या में आपके यहाँ पर कैक्टस लगे हुए हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम फेंग शुई के हिसाब से भी माने या फिर हम वास्तु के हिसाब से भी माने कि ये नेगेटिव एनर्जी का संचार करते हैं, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल असत्य है जी। मेरे तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ते गए मेरे घर में, वैसे ही मेरे मित्र बढ़ते गए, लोगों में जाना जाने लगा क्योंकि मैं ये पेड़ उगा रहा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय में वास्तु लिखी गई, इंडिया में कैक्टस ही नहीं थे जी। तो जो भी उसका अनुवाद कर रहा है मेरे हिसाब से गलत कर रहा है, क्योंकि आदमी ने कोई चीज़ देखी ना हो, जानता ना हो, तो उसको बुरा कैसे वो कह रहा है। मैंने तो ये देखा है इन पेड़ों के साथ मेरी खुशहाली बढ़ी है, तो मैं इनको अशुभ कैसे मान सकता हूँ? और सबसे आखिर में कांटे तो गुलाबों में भी हैं और बोगनविला में भी हैं, और अगर आप अपने हाथ से काम करने वाले हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके जख्म जो हैं वो ज़्यादा गहरे और ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। कैक्टस में कांटा कभी चुभ भी गया तो उसको चिमटी से निकाल दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैं ये मानता नहीं हूँ कि वास्तु में इनको अशुभ कहना चाहिए, बिकॉज वास्तु था नहीं जब ये आए, वास्तु पहले लिखा जा चुका था। तो सर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप कितने सालों से कैक्टस उगा रहे हैं और आपकी लाइफ में जब से आपने इन्हें उगाया है क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, मेरी अब आयु 72 साल की हो गई है जी। और लगभग 50 साल से तो मैं ये पेड़ पौधे उगा ही रहा हूँ। इन पेड़ पौधों का मुझे आनंद लेने के अलावा ये है कि मेरी बहुत सारे अच्छे लोगों से जान पहचान बनी और आज वो मेरे घने मित्र हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से मैं देश विदेश में जाना गया हूँ। तो अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ तो इन पेड़ पौधों को के साथ मैं ज़्यादा समय बिता सकता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आता हूँ। इनकी वजह से मैं 2 मंजिलें सीढ़ी चढ़ के आता हूँ तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, इनके साथ रहता हूँ तो मुझे शांति मिलती है, तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खानी पड़ती, सिर दर्द नहीं होता, वो जो पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ पर आके, उसका मैं खाली आपको बता सकता हूँ, पर आपको अपने आप एक्सपीरियंस करने के लिए इनको अपने पास लाना पड़ेगा। जी सर, एक चीज़ है कि जैसे क्योंकि कैक्टस पर जो ज़्यादा संख्या है वो है कांटों की, तो ऐसा बोलते हैं कि डेडनेस को अट्रैक्ट करता है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मैं छोटी सी बात कहूँगा कि जहाँ ये पेड़ पौधे उगते हैं, पनपते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, बच्चे देते हैं, वहाँ आम आदमी का खड़े रहना भी मुश्किल है। तो आप इनको कैसे कह सकते हैं कि डेडनेस से एसोसिएटेड, ये तो लाइफ का सिंबल है। दे आर टीचिंग यू टू सर्वाइव वेयर नथिंग एल्स सर्वाइव्स। सो दे आर सिंबल ऑफ लाइफ के जहाँ पे आप
कितना भी उसको प्रेशराइज करो उसके बावजूद भी ये चीज़ें पनपती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है और इनको ज़रूर उगाना चाहिए, इनकी मज़ा लीजिए और इनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसा भी है क्योंकि ये जो अन्य तरीके के जो पौधे होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलहदा हैं, क्योंकि जैसे ही इन्हें पानी की ज़रूरत होती है और पानी की कमी है ये खुद अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, तो किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं सर, उस चीज़ के बारे में और मैं जानना चाहूँगी। नहीं देखिए, ये जो आप आमतौर पे कांटे देखते हैं जी, ये मॉडिफाइड लीव्स हैं और इनका काम होता है अपने आसपास थोड़ी एयर को ट्रैप करना, उससे प्लांट को थोड़ी इंसुलेशन मिलती है और गर्माहट कम होती है। इनका ये काम नहीं है कि वो आपको जाके दुखी पहुंचाएं और आपको चुभें, वो उनका पर्पस ही फ़र्क है। और उस तरह उगते हुए वो उस गर्माइश को बर्दाश्त कर लेते हैं और जीवित रह सकते हैं। इन पेड़ की खूबियाँ, सबसे बड़ी खूबी तो है इनके बहुत सुंदर फूल, आकर्षक फूल, जो अलग अलग पेड़ पे सारे 12 महीने कोई ना कोई कैक्टस फूल में रहता ही है। कई तो हैं जो साल में 8-8, 9-9 महीने तक लगातार फूल देते रहते हैं। ये जहाँ उगते हैं, हमारा आमतौर पे तात्पर्य होता है कि रेगिस्तान मतलब गर्म रेगिस्तान, नहीं गर्म नहीं, ठंडे भी हो सकते हैं, 8-10 हज़ार फुट की ऊँचाई पर भी ये उगते हैं। और जहाँ पर भी उगते हैं इनका काम ये है कि सॉयल की संरक्षण करना, वो सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए बहुत काम के, क्योंकि कांटे भी हैं तो इसलिए अपनी जान भी बचा के रखते हैं, जानवर वानवर खाते नहीं हैं। और इनके फल जो हैं कई बार तो हमारे पंजाब की मार्केट्स में भी बिकते हैं और अमेरिका में तो कई तरीके से काट के पका के खाए जाते हैं। ड्राउट के समय में जहाँ पे ये नेचुरली उगते हैं वहाँ पे लोग इनको अपने डंगरों को या जानवरों को भी खिलाते हैं, क्योंकि उनके लिए बाकी घास उपलब्ध नहीं होती। बहुत जगह पे तो इनको उगा के इनके पत्तों से रेशा निकाल के उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो बहुत फ़ायदे हैं इनके। बहुत जगह जो आदिवासी लोग हैं कई किस्मों में से इन खा के या उनका रस निकाल के उन उपचार के लिए कई चोटों से या बीमारियों से उनको ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ सर ने बताई और हमें कितना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब से उन्होंने टेरेस गार्डन लगाया है अपने कैक्टस का तो उनके साथ सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, तो हम आसानी से इन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत अच्छी इसकी खूबियाँ भी बताई हैं कि ये कितना सेहत के लिए भी फायदेमंद है और किस किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।